न्यू वीडियो ऑफ कलाकार अभिजीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रोहित शर्मा सर का टोपी ड्रॉ करेंगे, उसको शेड करेंगे, हाउ टू शेड द कैप ऑफ रोहित शर्मा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। गाइस, रोहित शर्मा के कैप को हम सिंपल वे में एकदम आसानी से शेड कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेना है 8B पेंसिल और इससे पहले हम अच्छे से इस वाले पार्ट को शेड करेंगे एकदम अच्छे से प्रॉपर। गाइस, हमको अच्छे से इसको शेड कर देना है जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। जैसा पिक्चर में है हम भी वैसा ही शेड करेंगे। गाइस, इसको अच्छे से सेट करेंगे ताकि ये बहुत मस्त लगे। जितना अच्छा सेट करेंगे उतना अच्छा ये दिखेगा। गाइस, इसको अच्छे से सेट करेंगे एकदम बढ़िया से। जितना आराम से आप सेट करेंगे उतना ही अच्छा आपका लगेगा, जैसा मेरा लगता है। गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप नहीं सीख पाएंगे कि मैं कैसे बनाऊंगा। गाइस, मेरा 10B का ये टूट गया है, इसको मैं शार्प कर लेता हूँ। गाइस, मैंने शार्प कर लिया है, अब इसको गाइस, इस हैट को बनाने के बाद हम इसको एकदम अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ब्रश से। और थोड़ा सा उंगली से भी गाइस। अब हम टीम इंडिया का लोगो, गाइस हम अच्छे से टीम इंडिया का लोगो बनाएंगे कि यही हमारे भारत की पहचान है। गाइस, हम इसको अच्छे से करेंगे ताकि ये और भी ज्यादा सुंदर लगे। गाइस, आप देख सकते हैं टीम इंडिया का लोगो बन चुका, अब ये वाला पार्ट हम सेट करेंगे। अब जो बाहर निकला है उसको हम इरेज कर लेते हैं। गाइस, अब हम इसको और भी अच्छे से सेट करेंगे जैसा कि पिक्चर में है। रेफरेंस फोटो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, यहां पे जो है कैप में हम हाईलाइट कर देते हैं एकदम अच्छे से। तो कौन सा किन खिलाड़ी